let's study about division of polynomials now. Now, let's take the simplest case. We have to divide this polynomial by gx, which is 2x. Simplest because here we are taking just a monomial. So, we are taking division of a polynomial by a monomial. Now, before we proceed further, let's take simple example of numbers. If you have to divide, say, 17 by 5, what you do? 5 we write here, 17 we write here. It means 17 is what? Dividend. 5 is the divisor. Same way here, when we have to divide this polynomial by this gx here, 2x. Here 2x is the divisor. So we write this divisor here. Then dividend we write inside this bracket, which is 4x cube minus 3x square plus 5x minus 7. अब जब भी हम ये दोनों पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान देने की ये है कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में ही हमें लेने हैं। यहाँ पर पावर 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है। अगर ये हमें इस ऑर्डर में नहीं दिए तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, हम 5 का वो मल्टीपल फाइंड करते हैं जो 17 से जस्ट छोटा है, और वो हमें पता है 5 इंटू 3 गिव्स यू 15। ठीक है, उसी तरह से पॉलिनोमियल्स के लिए हम रूल क्या यूज करते हैं, जब हमें डिवाइड करना है तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को यानी कि 4x क्यूब को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, यानी कि यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं 4x क्यूब को, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर इज 2x। इसको जब हम 2x से डिवाइड करेंगे तो दिस गेट्स कैंसल्ड बाय 2, x क्यूब अपॉन x गिव्स यू x स्क्वायर। सो यहां पर जो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी वो हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर। अब जब हमने ये 3 लिख दिया यहां पर, तो उसके बाद हमने क्या किया, 5 इंटू 3 15 भी राइट हियर। सेम थिंग वी डू इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवाइजर को हम इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर से, और क्या आएगा हमारे पास 4x क्यूब, जो कि हम यहां लिख देंगे 4x क्यूब। ये ध्यान रखना है ये टर्म लिखते हुए कि x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म आएगी, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x के नीचे x वाली टर्म। इट मींस लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी हमें। अब ये 15 लिखने बाद हम क्या करते हैं, इसको 17 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड वी गेट 2 हियर। सेम थिंग वी डू इन पॉलिनोमियल्स, ये हमने 4x क्यूब लिख दिया, अब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका साइन अभी पॉजिटिव है, साइन चेंज कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब गेट्स कैंसिल्ड, वी गेट 0 हियर। अब हमारे पास बच गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब ये हमारा इस डिवीजन का एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं हर एक स्टेप के लिए। लाइक हमने क्या किया था, जो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर रिमाइंडर की, उसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ फॉर सेकेंड स्टेप अगेन वी प्रोसीड सेम वे, माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2x से, क्या आया हमारे पास माइनस 3 बाय 2x। सो ये जो आया है हमारे पास, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे, जो कि आएगा माइनस 3 बाय 2x इंटू 2x स्क्वायर 2x विच बिकम्स माइनस 3x स्क्वायर। ये यही नंबर आएगा क्योंकि हमने इसी को डिवाइड करके ये वाली टर्म निकाली थी। सो हमारे पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर। देन अगेन वी चेंज साइन एंड एड दीज टू गेट्स कैंसल्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5x माइनस 7। दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के लिए फिर से हम सेम वे प्रोसीड करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे, 5x डिवाइड बाय 2x, x गेट्स कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ 5 बाय 2, यानी कि ये आ जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। अब 5 बाय 2 इंटू 2x क्या होगा,
2 gets cancelled, we get 5x. So here we get 5x. Again, we subtracted by changing sign and adding, we are left with minus 7. Now, क्या हम further divide कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x है. तो division हमारा कब तक continue होगा? जब तक remainder की degree divisor की degree से equal है या बड़ी है. तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, बट यहां पर डिग्री इसकी क्या हो गई? जीरो. और डिवाइजर की डिग्री है हमारी वन. सो दिस जीरो इज लेस देन वन, सो आवर डिवीजन स्टॉप्स हियर. अब इस केस में जैसे हमने यहां पर किया था, इसको हम डिवाइड करते रहे कब तक? जब तक हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं आ गया. ठीक. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर. यूजिंग डिविजन एल्गोरिथम आई कैन राइट द 17 as 5 × 3 + 2. Same root follows for the division of polynomials also. Gx is our 2x. Let's take this quotient as qx. In our case, this is equal to 2x square minus 3/2x + 5x. And whatever is left over is the remainder. It's usually denoted by rx, which is minus 7 in this case. So, using the division algorithm for numbers, same thing holds for this also. That is, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. In terms of polynomials, these polynomials I can write this as Px is equal to divisor is your Gx. Quotient is qx plus remainder is rx. Now, you may be asked to verify this also. Verification ke liye hame kya karna hai? Dividend to already diya hua hai px. Hame right hand side ko leke in dono ko multiply karna hai aur r ko add karna hai. Fir ye check karna hai ki ye px ke equal hai ki nahi hai. Let's take this. rhs hamare paas kya hai? Gx, which is 2x in this case, into quotient is this one, 2x square minus 3/2x + 5/2, plus remainder, which is minus 7 in this case. In dono ko multiply karenge to kya aega? 4x square, 2 gets cancelled, we get minus 4x cube, sorry. So here we get minus 3x square. Here 2 gets cancelled, we get plus 5x and plus minus minus 7. As you can see, this is equal to Px, which is equal to LHS. Hence, this division algorithm is verified for this particular example. One more important result. Ab agar is case mein hamara 2 remainder hai, yani ki hum ye kya kehte hain ki 17 is not divisible by 5. और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं कि 5 17 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास क्या आता है? 5 × 3 = 15 एंड द रिमाइंडर इज 0. जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये डिविडेंड का फैक्टर है. सेम थिंग इज ट्रू फॉर द पॉलीनोमियल्स ऑल्सो. अगर हमारे पास रिमाइंडर, यहां तो माइनस 7 है, अगर हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 आता तब हम कहते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है. क्योंकि यहां पर रिमाइंडर नहीं है 0, तो इस केस में 2x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. विल प्रोसीड फर्दर फॉर द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. हियर वी हैव टू डिवाइड −5x + x^4 + 6/2 − x^2. तो इस केस में हमें डिविडेंड क्या है? ये. और डिवाइजर क्या है? ये 2 − x^2. तो px है हमारे पास यहाँ पर −5x + x^4 + 6, और डिवाइजर है हमारे पास dx is equal to 2 − x^2. अब क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x. तो यहां पर हम पहले लिखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर है x^4,
तो पहले हम x रेस टू पावर 4 वाली टर्म लेंगे, फिर है हमारे पास 5x वाली टर्म, फिर है 6 वाली टर्म, और यहां पर क्या है हमारे पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म प्लस 2। अब इसमें ये देखो x रेस टू पावर 4 है, फिर x रेस टू पावर 1 है, फिर x रेस टू पावर 0 है, इसमें कुछ पावर्स मिसिंग है। नाउ डिवीजन जब भी हम करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ टर्म्स हमारी डिवाइड करने पर एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स रेस टू पावर 4 जो टर्म्स मिसिंग है उनके साथ हम जीरो कोफिशियंट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इतना करने के बाद फिर हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब ये डिवाइजर है तो डिवाइजर को हम बाहर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिविडेंड को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं विच इज x रेस टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? नाउ जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। दिस थिंग यू कैन डू इन द रफ वर्क ऑल्सो, यानी कि x रेस टू पावर 4 को हम माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बट क्योंकि यहां माइनस साइन है तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सो नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है। तो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे यहां पर, और इसके बाद क्या था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहां लिखना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स रेस टू पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे यहां पर, ध्यान क्या रखना है एक्स फोर वाली टर्म एक्स फोर के नीचे आएगी, नेक्स्ट टर्म है हमारी माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये आएगी हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, सो ये हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या किया था, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से, तो उसके लिए हम साइन चेंज कर, दिस गेट्स कैंसल्ड, अब बचा हमारे पास जीरो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म 0x क्यूब है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी 2x स्क्वायर, अब इस 2x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आएगा हमारे पास माइनस 2, यानी कि यहां पर नेक्स्ट टर्म हो गया माइनस 2। अब माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, दिस वी राइट है 2x स्क्वायर माइनस 4, देन वी सब्ट्रैक्ट, दिस गेट्स कैंसल्ड माइनस 5x प्लस 10। अब इसकी डिग्री क्या है, दिस इज द रिमाइंडर, डिग्री ऑफ दिस इज 1 एंड डिग्री ऑफ दिस इज 2, जहां पर डिग्री ये कम हो जाती है वहां पर हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाता है, उसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमारा ये आ गया हमारा रिमाइंडर आर एक्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन क्यू एक्स। क्लियर? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हमें डिवाइड करना है 2t^4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को टी स्क्वायर माइनस 3 से। अब चेक कर लेते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर 4 3 2 1 0 है और इसकी भी पावर 2 है फिर 0 है, यानी कि दोनों अरेंज है तो हमें अरेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है, सो वी कैन स्टार्ट विद डिवीजन डायरेक्टली। यहां आ गया टी स्क्वायर माइनस 3, यहां पर आ गया 2t^4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। अब फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या है
टू टी रेज टू पावर फोर को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, हमारे पास आ गया टू टी स्क्वायर। सो टू टी स्क्वायर यहां पर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे हम, वो हो गया टू टी रेज टू पावर फोर माइनस थ्री इंटू दिस इज माइनस सिक्स टी स्क्वायर, जो कि हम टी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री टी क्यूब माइनस टू प्लस सिक्स इज प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। नेक्स्ट स्टेप थ्री टी क्यूब को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया थ्री टी, सो ये हो गई सेकेंड टर्म। यहां पर थ्री टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया थ्री टी क्यूब माइनस थ्री इंटू प्लस थ्री टी हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस नाइन टी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, बचा फोर टी स्क्वायर, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड माइनस ट्वेल्व। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, फोर टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फोर इज लेफ्ट, यानी कि नेक्स्ट टर्म यहां पर आ जाएगी फोर, फोर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर टी स्क्वायर, माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा माइनस ट्वेल्व। अगेन वी सब्ट्रैक्ट, बोथ गेट्स कैंसल्ड इन दिस केस एंड वी गेट रिमाइंडर जीरो। अब जब रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो सिंस रिमाइंडर इज जीरो, वी कैन से अगर हम इसको जी टी ले रहे हैं और इस वाले पॉलिनोमियल को पी टी ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी टी इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी टी। अब क्योंकि ये इसका एक फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर है और रिमाइंडर जीरो है, तो ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा पीटी का, यानी कि दिस इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस पीटी। ये यानी कि ये डिवीजन हम किस लिए यूज कर सकते हैं, एक फैक्टर अगर हमें पता है दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। ये चीज हम यूज करेंगे जब हमें एक या दो जीरोस दिए होंगे इस पॉलिनोमियल के और रिमेनिंग जीरोस हमें फाइंड करने होंगे। दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल। We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.